क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को एक बेहतरीन टीम मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इंडिया बनाम अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप 2019 का मुकाबला जो कि 22 जून से खेला जाना है। दोस्तों, आपको बता दो, पिछले मुकाबले में भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत मिली थी, जिसके कारण भारतीय टीम में ज़्यादा बड़े बदलाव होना संभव नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय टीम की प्लेइंग 11 अफगानिस्तान के खिलाफ। ऐसे में सलामी जोड़ी होगी केएल राहुल और रोहित शर्मा की। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आएंगे विराट कोहली, उनके बाद बल्लेबाजी करने आएंगे महेंद्र सिंह धोनी और विजय शंकर, उनके बाद बल्लेबाजी करने आएंगे केदार जाधव और हार्दिक पांड्या। दोस्तों, आपको बता दो, अगर गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो गेंदबाजी में एक बड़ा बदलाव होना संभव है, जहां भारतीय टीम के तूफानी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की इस मैच में वापसी हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दो, पिछले कुछ मुकाबलों से रविंद्र जडेजा को मौका नहीं मिल रहा है भारतीय टीम की तरफ से खेलने का। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम में वापसी हो सकती है रविंद्र जडेजा की। गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो गेंदबाजी में होंगे कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और युजवेंद्र चहल। दोस्तों, आपको बता दो, भारतीय टीम कुछ इस प्रकार होगी अफगानिस्तान के खिलाफ 22 जून के मुकाबले में। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम को फिल वक्त कुछ बदलाव करने चाहिए या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियोस नहीं हो तो एक दिल से लाइक करें और ऐसी क्रिकेट खबरों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।